भाइयों और बहनों, चुनाव के समय मैंने आपसे कामदार और दमदार सरकार देने का वादा किया था। एक ऐसी सरकार जो पहले से भी ज्यादा तेज गति से काम करेगी, एक ऐसी सरकार जो आपकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देगी। बीते 100 दिन में देश ने इसका ट्रेलर देख लिया है, अभी फिल्म बाकी है। हमारा संकल्प है हर घर जल पहुंचाने का। आज देश जल जीवन मिशन को पूरा करने के लिए निकल पड़ा है। हमारा संकल्प है मुस्लिम बहनों के अधिकारों की रक्षा का। 100 दिन के भीतर ही 3 तलाक के खिलाफ कड़ा कानून लागू कर दिया है। हमारा संकल्प है आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का। पहले 100 दिन में ही आतंक निरोधी कानून को और मजबूत कर दिया गया है। हमारा संकल्प है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने का। 100 दिन के भीतर ही इसकी शुरुआत हमने कर दी है। हमारा संकल्प है जनता को लूटने वालों को उनकी सही जगह पहुंचाने का। और इस पर भी बहुत तेजी से काम हो रहा है और कुछ लोग चले भी गए अंदर। भाइयों और बहनों, मैंने कहा था कि नई सरकार बनते ही पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ देश के हर किसान परिवार को मिलेगा। ये वादा पूरा हो चुका है और अब ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस योजना से जोड़ा जा रहा है। आज देश के लगभग 6.5 करोड़ किसान परिवारों के खाते में 21,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि जमा हो चुकी है। इसमें आज मुझे संतोष है कि इस सारी योजना में मेरे झारखंड के 8 लाख किसान परिवार भी उसके लाभार्थी बन चुके हैं, जिनके खाते में करीब 250 करोड़ इतने रुपए जमा हो चुके हैं।